एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, सभी की फेवरेट होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। ती है गैस पे कढ़ाई, इसमें डालूंगी एक चम्मच कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल है ये। इसको अच्छे से कढ़ाई को ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर डालूंगी मैं करीबन, मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हम इसमें सेलो फ्राई करेंगे एक एक पीस को रखते हुए। ये देखिए हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है, गैस कर दिए मैंने बंद। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। लिया है चॉपर, इसमें डालूंगी थोड़ा सा अदरक टेस्ट के अकॉर्डिंग, दो हरी मिर्च, चार कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिना लहसुन के भी आप बना सकते हैं। और दो टमाटर जो जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है बड़े बड़े पीसेस में, ये देखिए इस तरह से, और इसको ग्राइंडर की मदद से चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च सबका पेस्ट दरदरा सा तैयार हो गया। आप चाहिए तो ग्राइंडर भी मिक्सर में कर सकते हैं, मुझे इसे दरदरा पसंद है इसलिए मैंने किया है, नहीं तो आप बिल्कुल बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं इसका। गैस पे बर्तन, इसमें हम मटर को बॉईल करेंगे। मैंने फ्रोजन मटर लिए एक बाउल, ये देखिए आपको जितनी सब्जी बनानी आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें सबसे एक अच्छी सी ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है चीनी। ये देखिए हाफ चम्मच आप इसमें चीनी डाल दीजिए, जिससे आपके मटर का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मटर पनीर है तो मटर बिल्कुल हरे हरे दिखे, तब खाने का आनंद ही कुछ और हो जाता है। इसको 2 से 5 मिनट हम कुक होने देंगे। इस पे कढ़ाई, इसमें डाला है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, एक तेज पत्ता और 2 साबुत लाल मिर्च, इनका थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। हम सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें जो हमने टमाटर और इसका पेस्ट तैयार किया था वो मिला देंगे। सभी मसालों को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है, इसने ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसमें ज़्यादा खड़े मसाले वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि खड़े मसाले का यूज़ करते हैं सारी सब्जियों का टेस्ट एक जैसा सा हो जाता है। इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा काला नमक 1 चुटकी, और इनको सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद वाला नमक 1 छोटा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, और सभी मसालों को 2 मिनट फिर से पका लेंगे। ये देखिए ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर जो हमने रोस्ट करके रखा था। आपकी जरूरत के हिसाब से आप ग्रेवी बना सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। इधर हमारे मटर भी बॉईल हो चुके हैं, 100% कुक करेंगे मटर को ताकि हमारे मटर का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो। अब इसको मैं पानी को बाहर ड्रेन आउट कर दूंगी। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं मटर, ये देखिए, और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कटोरी के करीबन पानी, और इसको ढक के 2 से 5 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके सारे मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तक हमारी सब्जी तैयार होती है। मैंने 1 चम्मच लिए कसूरी मेथी, इसको लगातार चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जिससे सब्जी में और अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे
लगातार चलाएंगे, एक दो मिनट में ही हो जाती है। मेथी ड्राई रोस्ट हो गई है, अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी। इसको देखते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा टेक्सचर आया सब्जी का, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मटर पनीर बनी है। जो ये तेज पत्ते हैं मैं इनको निकाल दूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है इसके अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच मलाई, जिससे ये सब्जी का और भी टेस्ट बढ़ा देगा। आपके पास मलाई नहीं हो तो आप बटर का सॉरी फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये डाल दिए मैंने इसके अंदर, जो मैंने कसूरी मेथी क्रश की थी इसको मैं हाथ पे लेके थोड़ा हाथों से क्रश करके इस सब्जी के अंदर डाल दूंगी। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ड्राई रोस्ट करने से इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए सभी को मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब इसमें डाल देंगे फाइनली फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको मेरी बनाई हुई मटर पनीर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।